जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे ये ऑलरेडी गर्म हो चुका है मुद्दा, लेकिन बहुत एक ऐसे सेगमेंट में, एक ऐसे मीडियम में कह दूँ जो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आया। आप सीधा सीधा ये समझिए कि कुछ सेलिब्रिटीज़ शेयर कर रहे हैं, ऑफिशियल टिक वाले, तो उसका तो बहुत उनके अपने फॉलोअर्स तक तो पहुँचना ही चाहिए। वो लोग कर रहे होंगे जो भी चीज़ें स्प्रेड कर रहे होंगे, लेकिन अभी भी ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना, इतने बड़े कंसर्न का मुद्दा नहीं बना। जाहिर सी बात है, हमारे देश में और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाइना है, कोरोना है, फिर ये जो देश के अपने फसाद चलते रहते हैं, फिर रोज़ आतंकवादी मारे जा रहे हैं, जवान भी हमारे शहीद हो रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन उसी बीच ये भी एक मुद्दा है। इलीगली नागालैंड में, आसाम से, वेस्ट बंगाल से, जितने हमारे वेस्ट के एरिया हैं, वहाँ से कुत्तों को ट्रक में भर के ले जाया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स। और ये फोटो 26 जून की है, कहा जा रहा है इसके हिसाब से। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने यहाँ के सारे कुत्ते खा लिए हैं, इसलिए वो यहाँ से ले जा रहे हैं। और कुछ कुत्ते, क्योंकि उनका मुंह बंदा, आप देख सकते हैं फोटो, क्योंकि उनके मुंह को टाइटली बांध दिया जा रहा है, क्योंकि भौंक ना पाए, वो पता ना चल पाए कि बल्क में कुत्ते जा रहे हैं, कुछ रास्ते में ही मर जा रहे हैं। और वहाँ जाने के बाद तो जाहिर सी बात है खाने के लिए ही लाया जाए। हमारा एक कहावत होती है कि हर जानवर किसी ना किसी देवता का वाहन होता है, और इंटरनेशनली ये कहावत है कि कुत्ते से बढ़िया कोई फ्रेंड नहीं होता, कुत्ते सबसे अच्छे वफादार दोस्त होते हैं, ऐसा कहा जाता है। उनकी लॉयल्टी की कहानियाँ और किस्से और लोगों की मेमोरीज बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर कोई मुझे नागालैंड से देख रहा है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, एक बार उन, पता नहीं आपकी क्या फीलिंग है, आपका क्या कल्चर है मुझे नहीं पता, आप उनके साथ खेल के देखिए, उनके साथ उनको एक बार प्यार से, एक बार रोटी खिला के देखिए, एक बार प्यार से उनके ऊपर हाथ फेर के देखिए। मैं ये नहीं कहता कि अभी ये सब चीज़ें लोग लॉजिक देंगे कि तुम लोग चिकन भी खाते हो तो उसे क्यों खाते हो। भाई अब आज की डेट में ऐसा हो गया है कि चिकन्स को पैदा ही उस तरीके से किया जा रहा है कि अगर आप उसको नहीं मारेंगे, नहीं काटेंगे, तो छोटी सी उम्र में इतना बड़ा साइज का हो गया है कि वो, उसकी जबान नहीं खुल रही, वो सांस नहीं ले पा रहा, वो तड़प रहा है, वो जान, मतलब वो बचा नहीं है, वो उसका जिंदा रहना मरने से बदतर है। तो मैं उसको जस्टिफाई कुछ हद तक कर सकता हूँ कि वो जिंदा रह के ज़्यादा तकलीफ में है। जैसे हम लोग किसी को, किसी की डेथ विश को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आदमी बहुत पीड़ा में है, उसको मार दो, वही उसके लिए ज़्यादा अच्छा है, उसी तरीके से उसकी भी वही हालत है। और दूसरी चीज़ जो, मतलब कुत्ते जो हैं, हम उन्हें किडनैप कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे बींग हैं, कुत्ते हो गए, गाय हो गए, हमने कभी इनको आदमखोर होते हुए नहीं देखा है। हाँ कुछ कुछ किस्से आते हैं, लेकिन ये हमारी सोसाइटी के लिए नुकसान नहीं है। चिकन ज़्यादा हो जाएंगे तो नुकसान है। ऐसे एक फेस्टिवल शायद चाइना में भी था, वहाँ कुत्तों को तब तक मारा जाता है जब तक वो मर ना जाए, और उसके बाद उन्हें खाया जाता है। फेस्टिवल, आप समझ सकते हैं कि किसी की जान लेना किसी के यहाँ त्यौहार हो सकता है। अब इस बात पर मुझे शर्म आ रही है कि वहाँ बुद्धिस्ट रिलीजन है और गौतम बुद्ध यहाँ से गए थे। क्या उन चाइनीज़ों ने बुद्ध से यही सब सीखा है? अगर मेरी भाषा कोई समझ पा रहा है और कोई रिलेट कर पा रहा है, तो बस इतना समझ लो ह्यूमैनिटी के बाहर है ये चीज़। हम, मैं यहाँ पे किसी को फिलोसफी का लेक्चर देने नहीं बैठा हूँ। सरकारों से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि दीमापुर में जो भी हो रहा है, नागालैंड में जो भी हो रहा है, यहाँ से जो भी डॉग्स जा रहे हैं इलीगली बॉर्डर क्रॉस, लीगली, इलीगली क्या होता है भाई, लीगली कोई कैसे ले जा सकता है? कोई तरीका नहीं होना चाहिए कि किसी जानवर को आप एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ इसलिए ले जाएं इस तरीके से, क्योंकि आप उसे खाना चाहते हैं। आप पालने के लिए ले जाइए, चुरा के क्या ले जाइए, जैसे ले जाना ले जाइए, जितने जाए ले जाइए, लेकिन आप खाना चाहते। मेरा जनता से रिक्वेस्ट है, अगर कोई यहाँ तक पहुँच गया है तो इस वीडियो को शेयर करिए, नागालैंड वासियों तक पहुँचाइए, उनको उनकी भाषा में अगर समझा पाएँ तो समझाइए आप अपने माध्यम से सही, और उनको ये करने से रोकिए। अगर उनके दिमाग में खुद बैठ गया कि यही चीज़ ही गलत है, कोई एक वहाँ पे रिवॉल्यूशनरी नेता पैदा हो गया जो इस चीज़ को मना कर सकता है कि ये चीज़ रोकी जा सके, तो उनके दिमाग में, उनके सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठाइए कि ये चीज़ गलत है। मैं बहुत प्यार से इसलिए समझा रहा हूँ कि शायद किसी को समझ में आ जाए, शायद किसी को हिट कर जाए, शायद कोई इमोशनल होकर समझ जाए। हम वैसे जानवरों को खाने की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने अपने मालिकों के इंतजार में अपनी जान दे दी, भूखे मर के ग्रेव्स के पास, घरों में, कि जैसे किसी, कई बार ऐसे किस्से सुने होंगे आपने कि किसी फौजी का कुत्ता है, फौजी नहीं आया, शहीद हो गया, तो इंतजार में भूखे प्यासे ही मर गया।
बहुत बड़े बड़े ऐसे किस्से हैं कुत्तों को लेके, और हम वैसे जाएं एक बार आंखें देख लो, उनकी शक्ल देख लो, प्यार से खुद से रिलेट करो, एक बार हाथ फेर लो, कुछ खाना खिला के दिखा दो। इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूँ कि मेरा मैसेज, नहीं तो आप अपना खुद का मैसेज दूर तक स्प्रेड करिए, और इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। कानून ला के तो शायद रोक दिया जाए, लेकिन एक मोरालिटी होती है, एक इंसानियत नाम की एक चीज़ होती है कि हम खुद कितने लायबल हैं इस चीज़ के लिए कि हमें वो चीज़ नहीं करनी, हमारी खुद की क्या अकाउंटेबिलिटी है खुद के साथ। इंसानियत नाम की जो चीज़ होती है, अगर कहीं देखने को मिलती है, उससे कुछ सीखिए, उसको बचा के रखिए, वरना हम में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। खैर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।